आज हम बात करेंगे आपसे गेटर्स की। ये है थ्री बार गेटर, इसमें देखिए तीन ये रॉड है, 1 2 3, तीन ये स्ट्रेप्स हैं और ये ऊपर वाला साइड थोड़ा सा वाइड है, थोड़ा चौड़ा है नीचे का। तो हम ये क्यों बनाए, ये इसका क्या उपयोग है? देखिए इसका उपयोग ये है कि ये जो नी है, जैसे अभी बच्ची है देखिए, इसके नी जो है वो बैंड हो रहे हैं, तो हमें इनको रखना है सीधा। तो सीधा रखने के लिए हमारे पास क्या उपाय, हम स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन आधा घंटा एक घंटा दिन भर में, बट इसको हम दिन में 3-4 बार एक ही घंटा पहनाएंगे, इससे बच्चे के घुटने एकदम सीधा रहेंगे। हमने ये लिया और इसकी नी में हमने पहले थोड़ा हमने रिलैक्स किया है इसको, इससे बच्ची बड़े थोड़ी वो हो रही है, आपको उसकी नींद दिखा देते हैं। देखिए इसकी सिजरिंग भी है, नींद भी पहुँचती है, तो हम अनी रोते नहीं है देखो, हम इसके गेटर्स को ऐसे नींद के नीचे रखेंगे और नीचे रखा हमने और फिर इसको ऐसे बांध के हम इसको पहना देंगे। पहना रहे हैं, देखिए बच्चे रोते हैं थोड़ा, कोई बात नहीं, शुरू रोएंगे, लेकिन हमें ये चीज़ को पहनाना तो पड़ेगा ही, अगर उसे घुटने चीज़ रखने हैं हमको। और हम ये देखिए इस तरह से हम ये बीच में स्टेप लगाएंगे नीचे ऊपर, और फिर ये स्टेप लगाएंगे हम इसकी थाई के ऊपर। देखिए ये तीनों स्टेप हमने पहना दिए इसको, और इसके नीचे सीधे हो गए सीधा। तो इसे बनाना कैसे, इसको बना के तो पहले इसे नाप लेना पड़ेगा, और नाप हम इंच से लेंगे। तो पहले हम देखिए ऊपर जहाँ ये बंधा हुआ है वहाँ से लेके और नीचे जहाँ तक बंधा है, तो अगर हम फ्रेश पैर की बात करेंगे, इस पैर को बनाना है जैसे, तो हम इसकी जो है बच्ची को देखिए ऐसे लेंगे और यहाँ थाई से लेके यहाँ जो नी के यहाँ तक, यानी 9 इंच लगभग आ रही है उसकी लंबाई, तो घुटने के ऊपर 3 इंच, घुटने के नीचे 5 इंच, फिर ऊपरी गुलाई के लिए यहाँ से डालेंगे ये और ये गुलाई कवर करेंगे उसकी, ये आ गई इसकी लगभग 9 इंच और नीचे गुलाई आ गई इसकी लगभग देखिए ये आ गई 6 इंच, तो 6 इंच 9 इंच 9 इंच लंबाई, ये 3।